मित्रों, ये वीडियो सीरीज उन लोगों की कहानी है जिन लोगों ने संस्कृत विषय को लेकर के आईएएस परीक्षा पास की हो या पीसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं अथवा यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में सफलता अर्जित की है, एलटी की परीक्षा या टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो या प्राथमिक स्तर की परीक्षा हो, जिन लोगों ने भी संस्कृत को अपने कैरियर के रूप में स्वीकार किया है और सफलता अर्जित की है, उन सभी बंधुओं की कहानी आप इस वीडियो सीरीज में देख पाएंगे। और आज ऐसे ही एक मित्र हमारे सामने उपस्थित हैं जिनका हम आपसे उन्हीं की जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी, उनकी सफलता की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। सर, मेरा नाम मूल चंद्र है, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूँ। ग्रेजुएशन अतर्रा पीजी कॉलेज अतर्रा से किया हूँ, एमए भी वहीं से किया हूँ। इसके बाद फिर मैं बीएड करने चला गया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से 2013 में। शुरू में कुछ नहीं आता था संस्कृत के बारे में, मुझको कोई जानकारी नहीं थी। दो तीन महीने मुझको कुछ नहीं समझ में आता था कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। तो इसके बाद धीरे धीरे जैसे वो चलते जाते थे वैसे वैसे मैं अपनी तैयारी करता जाता था। आर के सर जी के यहाँ की बात है अभी, तो धीरे धीरे मेरी जो है बेसिक जानकारी पूरी हो गई जी। फिर मुझको ज़रूरत पड़ी साहित्य की, तो साहित्य मुझको कम समझ में आता था आर के सर जी के यहाँ। तो मेरे मन में होता था कि संस्कृत का कोई, साहित्य का कोई टीचर अगर अलग से मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा कम समझ में आ रहा है जी। तो मैं धीरे धीरे लोगों से संपर्क बढ़ाने लगा, तो कुछ लोग बताए कि एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के सामने संस्कृत गंगा कोचिंग चलती है जी। तो वहाँ मैं गया कुछ दोस्तों के साथ। पहले दिन मैं जब गुरुजी के क्लास किया, मुझको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मुझको लगता था कि कोई प्रोफेसर चाहे जितना बड़ा विद्वान हो इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। उस दिन से बिल्कुल इनका दीवाना हो गया और अपने सामने मुझसे तो गाते बनता नहीं लेकिन अपने सामने मैं खूब गुनगुनाता था जी। तो जब धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई कि यार ऐसे ऐसे पढ़ना है, गुरु जी बताते थे कि ऐसे ऐसे सब लोगों को पढ़ना है, इसे तैयारी करना है। साहित्य के बारे में थोड़ा हमको कम जानकारी थी, तो साहित्य के बारे में थोड़ा मैटर जो गुरु जी बताते थे और किताबें पहले से छपी थी गुरु जी की संस्कृत साहित्य में, तो संस्कृत साहित्यम के बारे में मुझको पता चला कि संस्कृत साहित्यम एक बुक है संस्कृत गंगा की। तो सबसे पहले मैं उसको लाया, संस्कृत साहित्यम को पढ़ा, तो उसमें जितने साहित्य के बारे में सब चीज़ रहा है मटेरियल, उसको मैं देखा और बढ़िया अच्छे ढंग से बढ़िया उसमें दिखाए थे गुरुजी लिखे थे, तो उसको मैं पढ़ा सब जीवन परिचय और सब चीज़ जितना साहित्य के बारे में है जी। तो साहित्य के बारे में पूरा जानकारी हो गई और व्याकरण भी पढ़ाते थे, व्याकरण भी अच्छा, बहुत अच्छा है व्याकरण, व्याकरण के बारे में भी मुझको जानकारी हो गई। बाबूराम सक्सेना पढ़ाते थे गुरुजी, बाबूराम सक्सेना के बारे में गुरुजी बताते थे यही सब एग्जामों में पूछता है, तो मैं उसको धीरे धीरे पढ़ लिया, पूरा कम्प्लीट कर लिया। फिर इसके बाद खूब तैयारी कर रहा था, फिर और जितने टेक्स्ट बुक रहे हैं गुरुजी के द्वारा दिए गए बुक टेक्स्ट बुक, उनको मैं विस्तार से पढ़ता था, विकल्प विकल्प देख देख के सब पढ़ता था। अब चारों विकल्पों में मैं फिर उनका सभी का जैसे चारों विकल्प हैं तो चारों का अलग अलग वो निकालता था कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, चारों विकल्पों का मैं उत्तर ढूंढता था। अच्छा, इसके बाद धीरे 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 और ज़्यादा जानकारी हो गई। फिर एलटी की तैयारी करते करते फिर ये रूप वूप थोड़ा कठिन लगता था, तो गुरुजी एक और अच्छा तरीका बताए कि सीरियल शुरू का प्रथमा विभक्ति का आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको रूप याद हो जाएगा। तो मैं प्रथमा विभक्ति का धीरे 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 पूरा रट लिया था, तो प्रथमा विभक्ति के अगर रूप रट गया तो पीछे का सब याद हो जाता है, तो पहले विभक्ति का भूलता है, तो उसको मैं पूरा याद कर लिया था। अच्छा, यही सब नॉलेज हो गया था धीरे धीरे पूरा। अब एक बार में कोई नहीं वो कर सकता, धीरे धीरे कोई चीज़ की जानकारी होती है, विस्तृत जानकारी होती है। एलटी के लिए तो सबसे अच्छी बुक, इससे अच्छी बुक एलटी मिशन के अलावा कोई बुक समझ में मुझको नहीं आती। और उसमें जो झारखंड वाली पहले परीक्षा करवाई गई थी झारखंड के द्वारा, झारखंड की और एलटी मिशन
अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो अदर बुकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, अब कोई भी सफलता पाने के लिए उसमें किसी का दिमाग ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का धीरे धीरे चलता है, लेकिन हम धीरे धीरे वाले हैं। हमको इतना जल्दी जानकारी नहीं हो पाई थी, लेकिन धीरे 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 हम रट रट के ज्ञान पूरा कर लिए थे। सुबह क्लास करते थे, हम क्लास जाते थे, फिर उसमें जो 12 एक बजे तक क्लास में लग जाता था जी। फिर जो है 4 बजे से 5-6 बजे तक पढ़ते थे आराम से। 6 बजे के बाद फिर थोड़ा रेस्ट लेते थे, फिर खाना बनाते थे। खाना बनाते बनाते 10 बज जाता था, तो 11-12 2 घंटा मैं उधर पढ़ता था पहली मीटिंग शाम रात में रात में जी। फिर इसके बाद में सो जाता था 12 बजे, फिर जगता था 4 बजे। अच्छा, 4 बजे जग के मैं 8 बजे तक पढ़ता था। फिर उठ के अपना नहा धुल के थोड़ा नाश्ता पानी करके कोचिंग चला आता था, कोचिंग में अपना क्लास करता था। अच्छा। मैं अपने माता पिताजी को प्रणाम करता हूँ और उनका सहयोग और उनका सहयोग और उत्साह मेरे लिए बहुत लाभकारी हुआ है, और जो मोटिवेशन प्राप्त हुआ मेरे बड़े भाई सीताराम जी का हुआ जी। उन्होंने मुझको पढ़ाने के लिए, मुझको इलाहाबाद लाने के लिए उनका बहुत बड़ा श्रेय था। किसी भी समस्या को आने से घबराए नहीं, गरीबी अमीरी सबके ऊपर आती है, कोई ना गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, वो सब अपने भावों से होता है जी। मैं तो ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं कि जहां कोई भी एक भी आज तक कोई नौकरी नहीं है। मेरे गांव में आज तक बीएड भी कोई नहीं है, हमारे मेरे अलावा, मेरे भाइयों के अलावा। तो ऐसे ऐसे गांव से हम लोग आए हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है कि हमारे गांव में इतना पिछड़ा हुआ गांव है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम इतना गरीबी अवस्था से झेले हैं, इतना गरीबी अवस्था से झेले हैं कि बताएंगे तो थोड़ा कष्ट होने लगेगा। हमारे पिताजी पहले जो है दूसरे का काम करते थे, फिर लाते थे हमको, जब नौकरी नहीं मिले थे तो काम करने के बाद आते थे, तो जो जैसे कुछ रहता था तो हम लोगों को खर्चा देते थे। हम गांव में सब लोग पढ़े हैं, हमारी शिक्षा कहीं ऐसे स्कूल से नहीं हुई जो VIP स्कूल रहे हों, गांव से हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोगों को खर्चा वर्चा नहीं मिलता था, हम वैसे पैदल जाते थे, पैदल साइकिल भी तक नहीं थी, 4-5 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल। बरसात वरसात में इतना कीचड़ उचड़ होता था कि हाथ पैर थक जाते थे, लेकिन ज़बरदस्ती कॉलेज जाते थे तो वहाँ पढ़ते थे और फिर इसके बाद आते थे। दोनों तरफ धूप लगती थी आते जाते, तो कोई ऐसा मत सोचे कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पैसा कौड़ी नहीं है। सब कुछ झेलते हुए अपने सफलता को आगे बढ़ाएं। मित्रों, इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सफल अभ्यर्थियों की सफलता की कहानी सुनकर, उनके संघर्ष की कहानी को सुन करके हम अपने आप को प्रेरित करें, हम उनके नक्शे कदम पर चलें। क्योंकि संस्कृत में एक सूक्ति है, महाजनो येन गतस्य पन्थाः। जैसे जैसे सफल अभ्यर्थी किस रूटीन में अपनी सफलता को अर्जित किया है, कैसी दिनचर्या थी, कैसा टाइम टेबल था, कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी, किन से प्रेरित हुए, किन के मार्गदर्शन में उन्होंने तैयारी की, तो उसी मार्ग पर चलकर, उसी पथ पर चलकर हम भी सफलता को प्राप्त होवें, ये इस वीडियो सीरीज का मुख्य उद्देश्य है।